नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एस जी के जी स्टडीज एंड एस जी के जी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 61-70 ऑफ पेपर 2 विच वॉज हेल्ड ऑन 11th March 2023। लेट अस स्टार्ट। सो दिस इज टेस्ट बुकलेट पेपर 2, टेस्ट बुकलेट सीरीज डी। टाइम अलाउड 2 hours, maximum marks 150, number of questions 120, and there is penalty for wrong answer. So जैसा कि आपको पता है, हम इसमें MCQ का आंसर तो देते ही हैं, साथ साथ conceptual clarity पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, उस chapter को हम पूरा understand कर लेते हैं, so that अगर उस chapter से कोई और भी question आता है तो उसको हम सॉल्व कर सकें। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। इन टर्म्स ऑफ CCS CCA रूल्स 1965, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस द नेक्स्ट स्टेप फॉर द इंक्वायरी अथॉरिटी इज टू। सो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रोडक्शन ऑन कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, एविडेंस कंप्लीट हो गया, इसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है। कंक्लूड द इंक्वायरी एंड सबमिट द इंक्वायरी रिपोर्ट, हियर द प्रेजेंटिंग ऑफिसर इफ एनी अपॉइंटेड एंड द गवर्नमेंट सर्वेंट, और परमिट देम टू फाइल रिटन ब्रीफ ऑफ देयर रेस्पेक्टिव केस इफ दे सो डिजायर, परमिट ओनली द प्रेजेंटिंग ऑफिसर टू फाइल रिटन ब्रीफ, परमिट ओनली द गवर्नमेंट सर्वेंट टू फाइल रिटन ब्रीफ। सो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर क्या है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, मतलब ट्रायल लगभग कंप्लीट हो गया है। तो जब ट्रायल लगभग कंप्लीट हो गया तो कंक्लूड द इंक्वायरी एंड सबमिट द इंक्वायरी रिपोर्ट एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है हियर द प्रेजेंटिंग ऑफिसर इफ एनी अपॉइंटेड एंड गवर्नमेंट सर्वेंट और परमिट देम टू फाइल रिटेन ब्रीफ, परमिट ओनली प्रेजेंटिंग ऑफिसर टू फाइल रिटेन ब्रीफ, ये तो गलत हो जाएगा ना। रिटेन ब्रीफ सिर्फ प्रेजेंटिंग ऑफिसर को ही अलाउ नहीं कर सकते, रिटेन ब्रीफ सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट को ही अलाउ नहीं कर सकते, इन दोनों को करना है। जब ऑन कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, प्रेजेंटिंग ऑफिसर और गवर्नमेंट सर्वेंट दोनों को रिटेन ब्रीफ सबमिट करना होता है, इसलिए ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, और ये दोनों यहाँ पर दिए हैं, परमिट देम टू फाइल रिटेन ब्रीफ, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। इसके प्रोसेस को थोड़ा समझ लेते हैं। ये देखिए, ये CVC का लेटर है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का ये लेटर है, और इस लेटर में इन्होंने मॉडल टाइम लिमिट फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज को मेंशन किया है। तो टाइम लिमिट तो यहाँ पे है, प्रोसेस यहाँ पे है, देखिए ये स्टेजेज हैं, स्टेजेज ऑफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। सो इसलिए हमें ये कॉलम एज वेल एज दिस कॉलम दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। फर्स्ट स्टेज, फिक्सिंग डेट ऑफ प्रिलिमिनरी हियरिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ लिस्टेड डॉक्यूमेंट, सबमिशन ऑफ डिफेंस डॉक्यूमेंट विटनेस एंड नॉमिनेशन ऑफ ए डिफेंस असिस्टेंट इफ नॉट ऑलरेडी नॉमिनेटेड। कितना टाइम इसमें चाहिए, विद इन 4 वीक्स, एक महीने के भीतर, लगभग एक महीने के भीतर ये काम आपको कर लेना है। प्रिलिमिनरी हियरिंग का डेट फिक्स कर लेना है, इंस्पेक्शन ऑफ लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स कर लेना है, सबमिशन ऑफ डिफेंस डॉक्यूमेंट कर लेना है, नॉमिनेशन ऑफ डिफेंस असिस्टेंट अगर करना है तो कर लेना है, राइट। स्टेज टू जो है ये ट्रायल वाला है, और इसमें 3 मंथ का टाइम मिलता है। इंस्पेक्शन ऑफ रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स, सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ डिफेंस विटनेस डिफेंस डॉक्यूमेंट्स, एग्जामिनेशन ऑफ रिलेवेंट डिफेंस डॉक्यूमेंट डिफेंस विटनेसेस, प्रोक्यूरिंग ऑफ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट्स,
confirming inspection of additional documents by charged officer or defense assistant. इसके बाद issue of summon to the witnesses, fixing the date of regular hearing and arrangement for participation of witness in a regular hearing. इसके बाद regular hearing on day to day basis. इसके लिए कितना time मिलता है? 3 month. इसके बाद वाला स्टेप उसमें पूछा गया है. उसके बाद क्या है? सबमिशन ऑफ रिटेन ब्रीफ बाई PO टू CO, सबमिशन ऑफ रिटेन ब्रीफ बाई CO टू IO. ये 15 डेज का है. सबमिशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिटेन ब्रीफ बाई, सो 30 डेज में. सो ये 4 week, 1 month लेके चलिए इसको, 1 month, 4 month, 5 month, 6 month. 6 month में पूरी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कंप्लीट हो जानी चाहिए इस मॉडल टाइम लिमिट के अनुसार. और ये इसके स्टेजेज आपके आराम से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं. तो जब एविडेंस कंक्लूड हो गया हो, हियरिंग कंक्लूड हो गया हो, उसके बाद से प्रेजेंटिंग ऑफिसर और चार्ज्ड ऑफिसर, इन दोनों को रिटेन ब्रीफ सबमिट करने का की अपॉर्चुनिटी दी जाती है, टाइम दिया जाता है. और इन इसको रिसीव करने के बाद तब सबमिशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द रिटेन ब्रीफ बाई प्रेजेंटिंग ऑफिसर चार्ज ऑफिसर होता है. ठीक है, ये स्टेजेस भी आपने देख लिया, ये टाइम लिमिट भी आपने देख लिया. ये आपको ध्यान रखना है. स्टेजेज ऑफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का हमने अच्छा खासा वीडियो डाल रखा है, अगर अभी तक आप उसको नहीं देखे हैं उसको देख लीजिए, रिवीजन के लिए आपके काम आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर्स कैन नॉट बी एक्सरसाइज बाई एन ऑफिसर अपॉइंटेड टू परफॉर्म द करेंट ड्यूटीज ऑफ ए पोस्ट. सो एक ऑफिसर, जब यहां पर ऑफिसर का नाम ले रहे हैं तो ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट हो गया. जैसे ही हम यहां पर ऑफिसर लिखते हैं इसको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम हो गया. तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनमें से कौन सा नहीं कर सकता? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टेक्निकल पावर हो सकता है उसके पास, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होते हैं, फाइनेंशियल पावर भी होते हैं, स्टैट्यूटरी पावर नहीं होते उनके पास. वहां उनके पास स्टैट्यूटरी पावर नहीं होते, इसलिए ये इज द करेक्ट आंसर. ये कॉमन सेंस वाला है, ये किसी भी बुक से मुझे दिखा है, मैंने चेक किया, ये किसी बुक में मिला नहीं, ये कॉमन सेंस पर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63. अकॉर्डिंग टू CCA रूल्स 1965, द अथॉरिटी कंपिटेंट टू इम्पोज ऑन ए गवर्नमेंट सर्वेंट एनी ऑफ द पेनाल्टीज स्पेसिफाइड देयरइन इज कॉल्ड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द ऑफिस, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी. ये प्रश्न आपको थोड़ा कन्फ्यूज कर सकता है, कन्फ्यूज नहीं होना है. ये प्रश्न ये कह रहा है कि CCS रूल के अनुसार जो अथॉरिटी पेनाल्टी इम्पोज कर सकती है उस अथॉरिटी को क्या कहते हैं. आई रिपीट, CCA रूल के अनुसार जो अथॉरिटी पेनाल्टी इम्पोज कर सकती है गवर्नमेंट सर्वेंट पे, उस अथॉरिटी को इसमें क्या कहते हैं. अब तो कन्फ्यूजन कुछ दूर हुआ होगा. उस अथॉरिटी को क्या कहते हैं जो पेनल्टी इम्पोज कर सकती है, और निश्चित रूप से उसको डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कहते हैं. कन्फ्यूजन में नहीं रहना है. हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पेनल्टी इम्पोज कर सकता है, हो सकता है. अपॉइंटिंग अथॉरिटी पेनल्टी को इम्पोज कर सकता है, हो सकता है. हेड ऑफ द ऑफिस पेनल्टी इम्पोज कर सकता है, हो सकता है. फिर ये सही क्यों है? ये इसलिए सही है कि ये सारे लोग ये जब ये पेनाल्टी इम्पोज करते हैं तो इनका जो नोमेनक्लेचर होता है वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी में आ जाता है. ऑल द ऑफिसर्स, ऑल द अपॉइंटमेंट्स, दोज हु आर ऑल द अथॉरिटीज, दोज हु आर कंपिटेंट टू इम्पोज पेनाल्टी ऑन ए गवर्नमेंट सर्वेंट, दे आर नोन एज डिसिप्लिनरी अथॉरिटी.
इनमें से कोई भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हो सकता है फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पस। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। ये रूल 12 है सीसीए रूल्स का, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी यहाँ पर दिया हुआ है। द प्रेसिडेंट मे इम्पोज एनी ऑफ द पेनाल्टीज स्पेसिफाइड इन रूल 11 ऑन एनी गवर्नमेंट सर्वेंट। सो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं विदाउट प्रिजुडाइस टू द प्रोविजन ऑफ सब रूल 1 बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब रूल 4। एनी ऑफ द पेनाल्टीज स्पेसिफाइड इन रूल 11 कैन बी इम्पोज ऑन अ मेंबर ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विस अदर देन द सेंट्रल जनरल सेंट्रल सर्विस बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। आपने देखा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी हो सकती है, राइट? यहाँ पर ग्रुप सी डी के लिए एक शेड्यूल दिया है और उसके अनुसार दिया गया है कि इफ़ ही इज सर्विंग इन ए मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दैट मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। सो सेक्रेटरी कर भी इज ऑल्सो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एज फार एज रूल 12 इज कंसर्न्ड। रूल 12 में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के बारे में डिस्कशन हो रहा है। If he is serving in any office by the head of that office, so head of the office भी disciplinary authority में आते हैं। अगर वो CAG में काम करते हैं तो CAG की जो authority है वो disciplinary authority में count होती है। उसके बाद से अगर आप वो अगर government servant temporarily किसी दूसरे services में चले गए हैं तो उस post का जिसके पास पेनल्टी इम्पोज करने के पावर होते हैं वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी काउंट किए जाएंगे। अगर कोई प्रोबेशनर है इन रिस्पेक्ट ऑफ ए प्रोबेशनर अंडर गोइंग ट्रेनिंग एट लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अगर कोई प्रोबेशनर है तो डायरेक्टर ऑफ द सेड एकेडमी, डायरेक्टर ऑफ द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी, ये डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हो जाते हैं। सो जो अथॉरिटी चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो सेक्रेटरी हो, चाहे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, चाहे सीएजी हो, चाहे डायरेक्टर ऑफ लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी हो, ये वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं जो पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट पे, और उस पावर में इनको डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, द टोटल नंबर ऑफ मेजर पेनाल्टीज प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 11 ऑफ सीसीएस रूल। सो द टोटल नंबर ऑफ मेजर पेनाल्टी, सो आपको पता है मेजर पेनाल्टी माइनर पेनाल्टी दोनों रूल 11 में मेंशन किए हुए हैं। सो मेजर पेनाल्टी कितने हैं, आपने इतना तो कैलकुलेशन कर ही लिया होगा, 3, 4, 5, 8, 5 इज द करेक्ट आंसर। आइए प्रोविजन ही देख लेते हैं। सो ये पार्ट 5 है, पार्ट 5 में पेनाल्टीज एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी सेक्शन 12 इससे पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं। सेक्शन 11 पेनाल्टीज के बारे में क्या है, द फॉलोइंग पेनाल्टीज मे फॉर गुड एंड सफिशियंट रीजंस एंड एज हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड बी इम्पोज ऑन ए गवर्नमेंट सर्वेंट, नेमली ये माइनर पेनाल्टीज है, ये जो है इसको बोलते हैं माइनर। देखिए यहाँ पर लिखा है माइनर पेनल्टी, माइनर पेनल्टी में सेंसूर, विदहोल्डिंग ऑफ हिज प्रमोशन, रिकवरी, रिडक्शन टू लोअर स्टेज, विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, 1, 2, 3, 4, 5। सो 5 माइनर पेनल्टीज आते हैं। इनमें सबसे छोटा कौन सा है, सेंसूर है। सबसे बड़ा कौन सा है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये जो पेनल्टीज हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सो ये माइनर पेनाल्टी है। मेजर पेनाल्टी यहाँ पर देखिए हेडिंग है 1, 2, 3, 4, 5 मेजर पेनाल्टी है। रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन टाइम स्केल, रिडक्शन टू ए लोअर टाइम स्केल,
कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल फ्रॉम सर्विस, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, ये पांच मेजर पेनल्टी हैं। हमारा प्रश्न भी यही था कि ये रूल 11 में कितने मेजर पेनल्टी हैं, सो कितने हैं, 5 हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर पेनल्टी शैल नॉट ऑर्डिनरली बी डिसक्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो जनरली मेजर पेनल्टी जो होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फ्यूचर क्वालिफिकेशन के लिए डिसक्वालीफाई कर देती है, वो डिसक्वालिफिकेशन काउंट होता है। सो प्रश्न ये है कि इनमें से कौन डिसक्वालिफिकेशन के रूप में काउंट नहीं होगा, कंपल्सरी रिटायरमेंट पक्का होगा, ये डिसक्वालिफिकेशन कर देगा ये फर्दर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए, रिमूवल फ्रॉम सर्विस, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस, एंड आंसर इसका जो होगा वो इसमें से कोई नहीं है, आंसर इसमें से कोई नहीं है, इसलिए इसको यूपीएससी ने विड्रॉ कर लिया है, यूपीएससी ने इसको विड्रॉ कर लिया है, इसलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट अमाउंट टू अ पेनाल्टी विद इन द मीनिंग ऑफ द सीसीएस रूल्स 1965। आपने माइनर पेनल्टी देखा रूल 11 में, आपने मेजर पेनल्टी देखा रूल 11 में, फाइव माइनर पेनल्टी है, फाइव मेजर पेनल्टी है, अगर उसको आपने देख लिया हो तो अब प्रश्न ये उठता है कि इनमें से तीन तीन पॉइंट इसमें दिए हुए हैं, तीनों में से कौन ऐसे हैं जो पेनल्टी के प्रोविजन में मीनिंग में नहीं आते हैं? आइए देख लेते हैं। विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर हिज फेलर टू पास एनी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम किसी कारण से पास नहीं कर पाए और उसके चलते अगर इंक्रीमेंट नहीं लगा तो इसको पेनल्टी मानेंगे क्या? बिल्कुल नहीं मानेंगे, एज ये तो रूल 11 में है ही नहीं। सो ये पेनल्टी में नहीं आएगा। और कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन रिलेटेड टू हिज और सुपरन्यूएशन और रिटायर, अरे जो सुपरन्यूएट होगा वो कौन सा पेनल्टी हो गया? सो ये भी पेनल्टी नहीं है, ये भी पेनल्टी नहीं है, ये भी पेनल्टी नहीं है। रिकवरी फ्रॉम पे ऑफ द होल और पार्ट ऑफ एनी पेक्यूनरी लॉस कॉज्ड बाई ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू द गवर्नमेंट बाई नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ ऑर्डर। सो पेक्यूनरी लॉस अगर कुछ हुआ है गवर्नमेंट को और उसकी रिकवरी होती है तो ये भी रूल 11 में नहीं है। तो इसका मतलब ये तीनों में से कोई भी पेनल्टी के प्रोविजन में नहीं आता। सो अच्छा, ये नीचे वाला का दिया है कि आता है, शैल नॉट अमाउंट टू पेनल्टी, सो 1 एंड 2 विल नॉट अमाउंट टू पेनल्टी। ये जो रिकवरी हो रही है पेक्यूनरी लॉस का रिकवरी जो हो रहा है नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ ऑर्डर के चलते, ये पेनल्टी में आएगी, 1 एंड 2 पेनल्टी में नहीं आएगी। आइए देख लेते हैं क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है। द फॉलोइंग शैल नॉट अमाउंट टू अ पेनल्टी विद इन द मीनिंग ऑफ दिस रूल, नेमली विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पे, ये पहला वाला पॉइंट था, स्टॉपेज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट एट द एफिशियंसी बार, ये भी पेनल्टी में नहीं आता, नन प्रमोशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, ये कहाँ से पेनल्टी में आ जाएगा, रिवर्सन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफिशिएटिंग इन हायर ऑफिसर, ये भी नहीं आता, रिवर्सन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड ऑन प्रोबेशन, ये भी पेनल्टी में नहीं आता, 1, 2, 3, 4, 5 ये पेनल्टी में नहीं आते। और भी है, रिप्लेसमेंट ऑफ सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हुज सर्विसेज हैड बीन बोरोड फ्रॉम किसी स्टेट गवर्नमेंट से लिए गए थे उनको वापस कर देते हैं, ये भी पेनल्टी में नहीं होगा। कंपलसरी रिटायरमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट उनके सुपरनेशन रिटायरमेंट पर होगा तो ये कैसे पेनल्टी होगा, ये भी पेनल्टी नहीं होगा। टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड ऑन प्रोबेशन ड्यूरिंग और एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ हिज प्रोबेशन इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स, जो भी
टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट है उसके अनुसार अगर टर्मिनेशन होता है ये भी पेनल्टी में नहीं आएगा। टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सो ये भी नहीं होगा। ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉयड अंडर एन एग्रीमेंट इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ द सच एग्रीमेंट ये भी नहीं होगा। एनी कंपेंसेशन अवार्डेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कंप्लेंट कमिटी ये भी पेनल्टी में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन ए गवर्नमेंट सर्वेंट बी मार्क्ड एज डाइस नन। सो डाइस नन तो आपने सुना ही होगा, लीव से रिलेटेड है, अब्सेंस से रिलेटेड है। सो इनमें से प्रश्न ये है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन अ गवर्नमेंट सर्वेंट बी मार्क्ड एज डाइस नन, इनमें से कौन सा ऐसा केस है जिसमें गवर्नमेंट सर्वेंट को डाइस नन मार्क किया जा सकता है। अब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट प्रायर परमिशन, व्हेन ऑन ड्यूटी इन ऑफिस द गवर्नमेंट सर्वेंट लीव्स द ऑफिस विदाउट प्रॉपर परमिशन, ये भी है। द ऑफिशियल रिमेन्स इन ऑफिस बट रिफ्यूजेस टू परफॉर्म ड्यूटीज, ये भी है। व्हेन एन ऑफिशियल कम्स लेट इवन दो ही वर्क्स थ्रू आउट द डे, ड्यूरिंग लेट आने से तो होता नहीं है। सो 1 2 3 हो रहा है, 1 2 3 हो रहा है, सो ए होना चाहिए, देखते हैं। सो ए इज द करेक्ट आंसर। डाइस नन कब होगा? अब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट प्रायर परमिशन, आपको ड्यूटी से अब्सेंट होना है तो परमिशन ले करके, परमिशन का मतलब लीव लेकर के ही अब्सेंट हो सकते हैं। विदाउट लीव अब्सेंट हो जाते हैं तो ये डाइस नन में काउंट हो जाएगा। और व्हेन ऑन अ ड्यूटी इन ऑफिस द गवर्नमेंट सर्वेंट लीव्स द ऑफिस विदाउट प्रॉपर परमिशन, आप ड्यूटी तो आए बिना परमिशन के गायब हो गए, डाइस नन में आएगा। द ऑफिशियल रिमेन्स इन ऑफिस बट रिफ्यूजेस टू परफॉर्म ड्यूटीज असाइन टू हिम, डाइस नन में आ जाएगा, बाकी ये नहीं आएगा। आइए डाइस नन को समझ लेते हैं। इन सर्विस टर्म्स डाइस नन मीन्स डे, डाइस मीन्स डे होता है, हाँ डाइस एक लैटिन वर्ड है, डाइस का मतलब डे होता है, मतलब डे, डाइस नन मीन्स डे काउंट नहीं करेंगे। किस लिए काउंट नहीं करेंगे? सर्विस से रिलेटेड इश्यूज में काउंट नहीं करेंगे। क्या है? इन सर्विस टर्म्स डेज डाइस नन मीन्स अ डे विच कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ड्यूटी फॉर एनी पर्पस। सो डाइस नन जैसे डिक्लेयर करेंगे उसको ड्यूटी हम नहीं मानते। इट डस नॉट कंस्टिट्यूट ब्रेक इन सर्विस, डाइस नन हालांकि ब्रेक इन सर्विस कंस्टिट्यूट नहीं करता, बट द पीरियड ट्रीटेड एज डाइस नन डस नॉट क्वालिफाई एज सर्विस फॉर पेंशनरी बेनिफिट और इंक्रीमेंट। सो पेंशन लेने के लिए, पेंशनरी बेनिफिट और इंक्रीमेंट के लिए जब हम काउंट करते हैं तो डाइस नन उसमें इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। इसलिए डाइस नन किस पर, पेंशनरी सर्विसेज किस पर होती है? क्वालिफाइंग सर्विसेज पे होती है। तो ये नन क्वालिफाइंग पीरियड में आ जाता है डाइस नन। आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे सिचुएशन होते हैं जिसमें डाइस नन होता है। व्हेन द ऑफिशियल रिमेन्स अब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट प्रायर परमिशन, प्रायर इन्फॉर्मेशन, ये पहला वाला पॉइंट था। व्हेन ऑन ड्यूटी इन ऑफिस द ऑफिशियल लीव्स द ऑफिस विदाउट प्रॉपर परमिशन, बिना परमिशन के ऑफिस से गायब हो गए। द ऑफिशियल रिमेन्स इन ऑफिस बट रिफ्यूजेस टू परफॉर्म ड्यूटी, ड्यूटी तो आएंगे काम नहीं करेंगे, टाइस नन हो गया। टाइस नन कैन नॉट बी मार्क्ड फॉर लेट कमिंग, क्या ध्यान में रखना है? अगर कोई लेट आ गए तो लेट आने के चलते उनको डाइस नन मार्क नहीं करना है, बाकी इन तीन कंडीशन में मार्क होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द इंक्वायरी इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजंस कंटेंड इन द सीसीएस रूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग शैल द इंक्वायरी रिपोर्ट कंटेन। सो यहाँ पर इंक्वायरी रिपोर्ट में क्या क्या होता है उसको मेंशन किया गया है। कंक्लूड हो गया इंक्वायरी, कंक्लूड होने के बाद से इंक्वायरी रिपोर्ट जो है, इंक्वायरी ऑफिसर इंक्वायरी रिपोर्ट बनाएंगे और वो डिसिप्लिन अथॉरिटी को देंगे। तो जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसमें क्या क्या होता है? द आर्टिकल ऑफ चार्ज एंड द स्टेटमेंट ऑफ इम्पुटेशन ऑफ मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर होता है।
the defense of a government servant in respect of each article of charge होता है and assessment of the evidence in respect of each article of charge पक्का होगा ये assessment तो करना ही है the finding on each article of charge and reasons thereof पक्का ये भी होगा तो 1, 2, 3, 4 चारों इसमें सही है आइए देख लेते हैं सो बी इज द करेक्ट आंसर 1, 2, 3, 4 देखिए ये है आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द इंक्वायरी ये रूल 23 है आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ इंक्वायरी अ रिपोर्ट शैल बी प्रिपेयर्ड एंड इट शैल कंटेन ये मुझे लग रहा है ये 23 रूल है या सब रूल है थोड़ा सा देख लीजिएगा अ रिपोर्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ये रूल 14 का 23 है इट शैल कंटेन द आर्टिकल्स ऑफ चार्ज एंड द स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट एंड मिसबिहेवियर ये था उसमें द डिफेंस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच आर्टिकल ऑफ चार्ज ये भी था उसमें एंड असेसमेंट ऑफ द एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच आर्टिकल ऑफ चार्ज ये भी था उसमें द फाइंडिंग्स ऑन ईच आर्टिकल ऑफ चार्ज एंड द रीजंस देयरफॉर ये भी था उसमें राइट नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर Departmental proceedings are initiated against a government servant and where after in conclusion of the departmental proceedings it is found that some blame attached to the officer which one of the following penalties should at least be देखिए ये इतना लंबा चौड़ा जो स्टेटमेंट है उसका क्रक्स यहाँ पे है कि सबसे छोटा इसमें कौन सा पेनल्टी होगा इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी में पाया गया कि थोड़ा सा उन्हें दोष है थोड़ा सा दोष है सो इसलिए उनको सबसे छोटा पेनल्टी देना चाहिए तो इसमें से सबसे छोटा लिस्ट पेनल्टी कौन सी है तो आप रूल 11 का सबसे पहले तो आपने रूल 11 में देखा मेजर पेनल्टी माइनर पेनल्टी सो मेजर पेनल्टी तो कोई छोटा हो ही नहीं सकता माइनर पेनल्टी में 5 पेनल्टी हैं सो उसमें सेंसर ओरल वार्निंग रिटेन वार्निंग विद होल्डिंग इज इंक्रीमेंट सो आप देख लीजिए विद होल्डिंग इज इंक्रीमेंट छोटा नहीं है रिटेन वार्निंग नॉट टू बी रिकॉर्डेड ये क्या पेनल्टी में नहीं आता ये डिसिप्लिनरी एक्शन में नहीं आता एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में आता है ओरल वार्निंग ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में आता है डिसिप्लिन में नहीं आता माइनर पेनल्टी जो पहला माइनर पेनल्टी है वो सेंस्योर है सो यहाँ पर सेंस्योर इज द करेक्ट आंसर आइए देख लेते हैं देखिए पेनल्टीज जो है पार्ट 4-5 में है रूल 11 में है ये माइनर पेनल्टी है और माइनर पेनल्टी में ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में पेनल्टीज है सबसे हल्का ये पेनल्टी है फिर उससे भारी ये है उससे टफ ये है उससे टफ ये है और उससे रिगरस ये है सो इसमें सबसे छोटा सेंस्योर है इसमें कोई वार्निंग है क्या नहीं है कहीं एडमोनिशन है क्या नहीं है इसमें सबसे छोटा सेंस्योर है सो सेंस्योर ही सबसे छोटा अब प्रश्न ये कई बार ये उठता है कि वार्निंग और सेंस्योर में क्या फर्क है अगर फॉर्म देखा जाए तो सेंस्योर और वार्निंग लगभग एक जैसे ही हैं फर्क सिर्फ इतना ही है कि वार्निंग जो दे दिया जाता है एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है और सेंस्योर जब दिया जाएगा ये एक डिसिप्लिनरी एक्शन है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 70 इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजंस कंटेंड इन सीसीए रूल्स 1965 द पीरियड ऑफ लिमिटेशन टू अपील फ्रॉम द डेट ऑन विच अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट इज डिलीवर्ड टू द अपीलेंट सो कहने का मतलब ये है कि इंक्वायरी हो गई इंक्वायरी होने के बाद से डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने पेनल्टी इम्पोज कर दी पेनल्टी इम्पोज करने के बाद से देयर इज प्रोविजन फॉर अपील ऑल्सो सो प्रश्न ये उठता है कि पेनल्टी इम्पोज करने के बाद उसका इंटीमेशन रिसीव होने के बाद कितने दिन के भीतर पेनल्टी अपील में जाया जा सकता है 30 डेज 45 डेज 60 डेज और 90 डेज एंड करेक्ट आंसर इज 45 डेज 45 डेज के भीतर
within 45 days appeal can be preferred. ये देख लीजिए रूल नंबर 25, पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ अपील्स, नो अपील प्रीफर्ड अंडर दिस पार्ट शैल बी इंटरटेन अनलेस सच अपील इज प्रीफर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट इज डिलीवर्ड टू द अपीलेंट. सो कितना टाइम दिया हुआ है? 45 डेज, राइट. तो इस सेशन में क्वेश्चन 61 से लेकर के क्वेश्चन 70 तक, एंड मोस्टली इसमें जो थे वो सीसीए रूल्स और लीव रूल से रिलेटेड मैटर्स थे, उनको हमने डिस्कस किया, उनके टॉपिक को हमने डिस्कस किया विद फुल कंसेप्चुअल क्लेरिटी. उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में कमेंट करें. आज का नीति श्लोक, त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत. ये कुछ त्याग करने की बात हो रही है. किस किस पोजीशन में क्या क्या हमें त्याग कर देने चाहिए. स्टेटमेंट ये है कि कुल की भलाई के लिए, कुल मीन्स पूरे परिवार की भलाई के लिए, कुल की भलाई के लिए किसी एक को छोड़ना पड़े तो उसे छोड़ देना चाहिए. मान लीजिए कोई कुल नाशक पैदा हो गया है. दो तरह के बच्चे होते हैं, कुछ कुल दीपक होते हैं और कुछ कुल विध्वंसिक होते हैं. तो जो कुल विध्वंसी होते हैं वो कुल की नाश करने के लिए ही तुले जन्म लिए होते हैं. तो अगर कुल को बचाना है तो वो कुल नाशक का त्याग कर देना चाहिए. गांव की भलाई के लिए यदि किसी एक परिवार का नुकसान हो रहा हो तो उसे सह लेना चाहिए. देखिए यहाँ पर क्या था, सिर्फ परिवार की बात थी. तो परिवार के हेतु, परिवार के रक्षण हेतु एक व्यक्ति को त्याग देना नीति कहलाती है. गांव की भलाई के लिए, गांव के रक्षण हेतु एक परिवार का नुकसान हो रहा उसे सह लेना चाहिए. जनपद का मतलब डिस्ट्रिक्ट होता है. जनपद के ऊपर आफत आ जाए तो किसी एक गांव के नुकसान से टल सकती है तो उसे भी झेल लेना चाहिए. और अगर खतरा अपने ऊपर आ पड़े तो सारी दुनिया छोड़ देनी चाहिए. मतलब अपना देह परम है स्वामी, अपने रक्षण के लिए आप सब कुछ त्याग कर सकते हैं. अपने परिवार के रक्षण के लिए किसी व्यक्ति विशेष को छोड़ सकते हैं. अपने गांव के भलाई के लिए, रक्षण के लिए किसी परिवार का नुकसान हो रहा है बर्दाश्त करना है. अगर डिस्ट्रिक्ट हो या राज्य हो और एक गांव के नुकसान से अगर विपदा कोई टल सकती है उसे भी झेल लेना चाहिए. परंतु जब बात अपने जीवन पर आ पड़े, जब बात अपने जीवन रक्षण की आ पड़े तो सारी दुनिया छोड़ देनी चाहिए, अपने प्राण की रक्षा करनी चाहिए. आपका चैनल SCKG स्टडीज, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें. आपका चैनल SCKG 2.22, जिस पर RTI की क्लासेस हैं, जिस पर SSU प्रोबेशन क्लियरेंस एग्जाम की क्लासेस हैं, जिस पर DD रिक्रूटमेंट के क्लासेस हैं, जिस पर SSU LDC की क्लासेस हैं, इनको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें. मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.